देश में इस वक्त हर तरफ आपको चुनावी बयार देखने को मिलेगी, तमाम नेताओं के वादे सुनने को मिलेंगे, दावे भी सुनेंगे आप। दावों और वादों के इस दौर में अब एक और बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कन्नौज में जनसभा की। जनसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर से जीत कर आई तो संविधान और आरक्षण दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आपको भी सुनवा देते हैं कि आखिर संजय सिंह ने क्या क्या कहा। कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे, अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक, और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति। तो सुना आपने, इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने जो काम किया उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग स्कूल अस्पताल नहीं शमशान देने वाले लोग हैं। इन लोगों ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझको जेल में डाल दिया। सारी जिंदगी जेल में डाल दीजिए, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किए उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं, उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं। इसलिए ये लोग स्कूल नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते। मोदी जी आए थे कोरोना के टाइम में, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये शमशान बनाने वाले लोग हैं, ये आपके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं इसी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि कन्नौज में अखिलेश यादव की जीत होगी, यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बता दें कि तमाम इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही है। वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव इस बार ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और संजय सिंह उनके साथ जनसभा करने कन्नौज पहुंचे और उनके लिए वोट मांगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।